सेबी की मुखिया मारबीपुरी बुच की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पहले हिंडनबर्ग ने उन पर अडानी ग्रुप की जांच को लेकर आरोप लगाए, उसके बाद कांग्रेस ने उन पर ICICI बैंक से सैलरी लेने का आरोप लगाया और अब सेबी के कर्मचारियों ने वर्क कल्चर को लेकर मारबीपुरी बुच पर बड़े आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को एक लेटर के जरिए शिकायत की है। इस लेटर में करीब 500 अधिकारियों ने दस्तखत किए हैं। ग्रीवियांस ऑफ सेबी ऑफिसर्स अ कॉल फॉर रेस्पेक्ट नाम से सेबी कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को ये लेटर लिखा है जिसमें कई शिकायतें की गई हैं। उन्होंने लिखा कि सेबी में बैठकों में चिल्लाना, डांटना और पब्लिकली ऑफिसर्स को इंसल्ट करना आम बात है। साथ ही सेबी ऑफिसर्स ने यह भी लिखा है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की भाषा काफ़ी खराब है। माधवी हर मिनट की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट करती हैं और कर्मचारियों को अनरियलिस्टिक टारगेट दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साथ ही इन टारगेट्स में रेगुलरली बदलाव भी होते रहते हैं जिससे कर्मचारियों की मानसिक हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस आरोप के बदले में सेबी का कहना है कि जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं, रिव्यू मीटिंग के फॉर्मेट को भी बदल दिया गया है और इसकी जानकारी भी एम्प्लॉई बॉडीज को दी जा चुकी है। वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ी समस्या है, ऐसे में सेबी जैसी महत्वपूर्ण संस्था के कर्मचारियों का इसे लेकर उठाया गया सवाल इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्रालय इस पर क्या कदम उठाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वो ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।